सो फाइनली गाइज, रियलमी 7 5G स्मार्टफोन को यूरोपियन कंट्री के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। गाइज, ये स्मार्टफोन काफी एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है, यानी कि ये स्मार्टफोन 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 229 यूरोज के अंदर लॉन्च किया गया है। दोस्तों, मतलब कि ये स्मार्टफोन 20,000 रुपए की प्राइस में यूरोपियन कंट्री में लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा कि जब कोई भी स्मार्टफोन यूरोपियन कंट्री में लॉन्च होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और जब वो स्मार्टफोन इंडिया के मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं वो 2 से 3 हजार रुपए सस्ते होते हैं। तो ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रियलमी 7 5G को इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको 20,000 रुपए से कम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा रियलमी 7 5G इंडिया के मार्केट में आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा और किस कीमत के अंदर मिलेगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको मोबाइल फोन पर देखने को मिलने वाली है। तो ये सब कुछ जानने के लिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबा ले। शुरुआत करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। तो यहाँ पर ऑफर की जाती है 6.5 इंच की डिस्प्ले, जो एक मैसिव डिस्प्ले है, और कॉर्नर पर आपको एक पंच होल कटआउट भी मिल जाता है। साथ में फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन और आईपीएस एलसीडी पैनल और कॉर्निंग गोला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक काफी स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और साथ में 180 हर्ट्ज टच सैंपल रेट भी आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, एकदम बढ़िया डिस्प्ले यहाँ पर दी गई है। बात करें मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप की, तो ये स्मार्टफोन आता है क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, बाकी के सेंसर आपको वही सेम देखने को मिलते हैं जो मैक्सिमम रियलमी के स्मार्टफोन पर दिए जाते हैं, यानी कि 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर, 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और मैक्रो सेंसर। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर किया जाता है। नो डाउट इस मोबाइल फोन से सेल्फी कैमरे से भी आप काफी अच्छी सेल्फी कैप्चर कर पाओगे, तो नो डाउट स्मार्टफोन कैमरे के मामले में भी एक अच्छा स्मार्टफोन होगा। चलिए गाइस, अब बात करते हैं रियलमी 7 5G पर मिलने वाले प्रोसेसर की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर MediaTek Dimensity 800U का SoC मिलता है, जिसके अंतुति स्कोर करीब 3,40,000 से भी ऊपर आते हैं। तो इसका मतलब ये स्मार्टफोन जो प्रोसेसर के साथ आता है वो काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ आता है, इससे आप एक काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले पाओगे। यहाँ पर आपको कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप इशू देखने को नहीं मिलेगा। बट सबसे अच्छी बात यह कि ये स्मार्टफोन डुअल 5G सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि ये स्मार्टफोन आपको 5G नेटवर्क के साथ भी देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन काफी अच्छे प्रोसेसिंग पावर के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन पर मिलने वाले पावर बैकअप की। यहाँ पर 5000mAh की एक मैसिव बैटरी मिल जाती है, साथ में 30W की वूक चार्जिंग का सपोर्ट और टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो इसका मतलब ये स्मार्टफोन काफी अच्छी बैटरी के साथ भी आता है, आपको बैटरी से भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक भी दिया जाता है, सभी तरह के बेसिक सेंसर आप लोगों को यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में आपको कब और किस कीमत के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 229 यूरोज के अंदर ये स्मार्टफोन यूरोपियन कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है। अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 20,000 रुपए के आसपास ये मोबाइल फोन यूरोपियन कंट्री के अंदर लॉन्च किया गया है। और आपको पता होगा कि जब कोई स्मार्टफोन यूरोपियन कंट्री में लॉन्च किया जाता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, इंडिया की मार्केट में जब वो स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो थोड़े कम प्राइस के अंदर लॉन्च होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये स्मार्टफोन आपको 17 से 18 हजार रुपए के आसपास इंडिया की मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर रियलमी 7 5G को 18 से 17 हजार रुपए के आसपास इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाता है, डेफिनेटली गाइस ये स्मार्टफोन एक बढ़िया स्मार्टफोन रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह कि आपको पावरफुल प्रोसेसर, अच्छी डिस्प्ले, अच्छे कैमरे और 5G नेटवर्क देखने को मिल जाता है, वो भी कम प्राइस के अंदर। बट अगर हम मोबाइल फोन की इंडिया लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस अभी तक तो कंफर्म नहीं हो पाया है कि रियलमी 7 5G को इंडिया की मार्केट में कब और किस कीमत के अंदर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक्सपेक्टेड कीमत तो बता दी है। अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको दिसंबर के लास्ट वीक या 2021 के जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि जब स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाए रियलमी 7 की जगह इस स्मार्टफोन का नाम कोई और भी रखा जा सकता है, तो अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए गाइस, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।